रामनगर में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। यहां पर एडीएम के नेतृत्व में खनन विभाग की टीम के द्वारा क्षेत्र के 5 स्टोन क्रशर की जांच की गई, जिसमें ढिल्लन, पुरेवाल, मनसा, प्रकाश व गुरु हर्रा स्टोन क्रशर पर छापा मारा गया। टीम ने यहां मौके पर उपखनिज की नापजोख कर सभी क्रशरों के प्रपत्र, सीसीटीवी फुटेज के साथ ही पंजीकरण रजिस्टर, धर्म कांटे आदि की जांच की। बता दें कि प्रशासन की इस कार्रवाई से खनन कारोबारियों में अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। इधर टीम अधिकारियों ने बताया कि मौके पर मिले उपखनिज एवं अन्य मामलों का विभागीय स्तर पर मिलान किया जा रहा है। अधिकारियों की माने तो इस तरह की कार्रवाई खनन सत्र शुरू होने से पहले अपना डेटाबेस तैयार करने को की गई है, जिससे कि आने वाले समय में अवैध खनन पर नियंत्रण किया जा सकेगा। खनन अधिकारी रवि नेगी ने बताया कि ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इसमें हमारे अपर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में रामनगर एसडीएम साहब है, उसी खनन है, खनन विभाग है। हम लोग लगातार अवैध खनन की कार्रवाइयों को लेकर मुस्तैद हैं और जितने भी हमारे यहाँ अवैध कार्रवाई होती हैं उसके लिए हमारी छापेमारी हर स्टॉप हर क्रशर पे जारी है। ये कार्रवाई सिर्फ इसलिए की जा रही है कि हमारे पास डाटा रहे और किसी भी तरह के अवैध खनन पर